अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। आज हम सूरह अल इमरान की आयत नंबर 128 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं है लका आपके लिए मिनल अमरी इस मामले में शैउन कुछ इख्तियार औ या तूबा वो मुतवज्जा हो मेहरबानी से अलैहिम उन पर औ या युअज़्ज़िबहुम वो अजाब दे उन्हें फ़इन्नहुम फिर बेशक वो ज़ालिमून ज़ालिम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक इंसान हैं, बशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इंसानों को डराना है। इनकी बख्शिश या अजाब का मामला तो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लैसा लका मिनल अमरी शैउन। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं राल, ज़ाकवान, असिया और बनी लहयान कबीलों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दुश्मन के खिलाफ मदद तलब की और ऐसे मुबल्लिगीन तलब किए जो इनको कुरान मजीद और सुन्नत की तालीम दें। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अंसारियों को जो अपने ज़माने के बेहतरीन किराह कहलाते थे उनके साथ भेज दिया। ये लोग दिन को लकड़ियाँ चुनकर लाते और रात को नमाज पढ़ते थे। जब ये किराह बेअरमाउना पर पहुँचे तो उन कबाइल ने अहद तोड़ दिया और धोखा देकर उन्हें कत्ल कर दिया। जब ये खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीना भर तक सुबह की नमाज में उनके खिलाफ कनूते नाजला की। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने सुना जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की दूसरी रकत में रुकू के बाद सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्दु के बाद ये बद्दुआ किया करते अल्लाहुम्मा अन फुलानन व फुलानन व फुलाना, ऐ अल्लाह फला फला और फला शख्स पर लानत फरमा। चुनाचे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई लैसा लका मिनल अम्रि शै, तेरे इख्तियार में इस मामले से कुछ भी नहीं। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में अरब के बाज़ कबीलों के खिलाफ इस तरह बद्दुआ फरमाया करते थे ऐ अल्लाह फला और फला पर लानत फरमा। जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई लैसा लका मिनल अम्रि शैउन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ करना तरक कर दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के लिए बद्दुआ या दुआ का इरादा फरमाते तो रुकू के बाद कुनूत करते। रावी ने बाज़ औक़ात ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअल्लाहु लिमन हमिदहु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द के बाद फरमाते अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद अबना नल वलीदी व सलामाता तबना हशाम व अय्याशबना अबी रबिया वल मुस्तज़अफ़ीना मिनल मुमिनीना अल्लाहुम्मा अशदुद वताअतका अला मुज़रा वजअलहा अलैहिम सनीना कासिनी यूसुफा। ए अल्लाह, वलीद इब्ने वलीद, सलमा बिन हशाम, अयाश बिन अबी रबिया और कमज़ोर मोमिनों को निजात अता फरमा। ए अल्लाह, ख़ानदान मिस्र के लोगों पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दे और ए अल्लाह उन्हें इस तरह कहर साली में मुब्तला कर दे जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में कहर पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात को बुलंद आवाज़ से पढ़ते और नमाज फजर में बाज़ औक़ात अरब के मुख्तलिफ ख़ानदानों के नाम लेकर इस तरह भी बद्दुआ करते, अल्लाहुम्मल अन फुलानन व फुलानन। ए अल्लाह, फला फला पर लानत फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी, लैसा लका मिनल अम्री शैउन। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ओहद के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जख्मी हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम किस तरह फलाह पाएगी जिसने अपने नबी का सर जख्मी कर दिया। तो इस मौका पर भी ये आयत नाजिल हुई, लैसा लका मिनल अम्री शैउन। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ओहद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर जख्म आया जिसकी वजह से खून बहता हुआ चेहरे पर आ गया। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम किस तरह फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के साथ ये सलूक किया जबकि वो इन्हें अपने रब अल्लाह अज़्ज़ो वजल की तरफ दावत दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस मौका पर इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, लैसा लका मिनल अम्री शैउन। इन अहादीस से मालूम हुआ कि कनूते नाजला में किसी काफिर का नाम लेकर लानत करना जायज़ नहीं। क्या खबर अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक बख्श दे। हाँ, आम कुफार पर लानत दुरुस्त है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद में भी लोग कुफार पर कनूत में लानत किया करते थे। आयत नंबर 129। वलिल्लाहि, और अल्लाह ताला ही के लिए है, माँ जो कुछ इस समावाती आसमानों में है, व माँ फिल अर्ज़, और जो कुछ जमीन में है, यगफिरु, वो माफ़ करता है, लिमन यशा, जिसे वो चाहता है, वायु अज़िबु, और अजाब देता है, मैं यशा, जिसे वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, गफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। फरमाया, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। वो जिसे चाहेगा मुआफ़ कर देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा। किसी बंदे को चाहे वो नबी मुरसिल हो या वली मुकर्रम, ये इख्तियार हासिल नहीं कि किसी की किस्मत का फ़ैसला करे और किसी को जन्नत में भेज दे और किसी को जहन्नम में। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला मुआफ़ करने को बहुत पसंद करता है और अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात का फ़ैसला फरमाया तो एक किताब लिखी, वो किताब उसके पास अर्श के ऊपर है। उसमें ये भी है कि मेरी रहमत और मेहरबानी मेरे गज़ब से आगे बढ़ गई है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल कदर है तो मैं इस रात में क्या दुआ करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलातुल कदर है तो मैं इस रात में क्या दुआ करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा, आमीन। आयत नंबर 113। या अय्युहल्लज़ीना, है वो लोगो जो आमन में ईमान लाए हो, ला ताकुलू, ना तुम खाओ, ला ताकुलू रिबा, ना तुम खाओ सूद, अज़आफ़न, कई गुना, मुज़ाअफ़ातन, दुगने चुगने किए हुए, वत्ताकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ़्लिहून, फलाह पाओ। ग़ज़वा-ए ओहद, चूँकि वक्ती नाकामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और माल दुनिया के लालच के सबब हुई थी, इसलिए अब तमाम दुनिया की सबसे भयानक और मुस्तकिल शक्ल सूद से मना किया जा रहा है और अताअत और फरमा बरदारी की ताकीद की जा रही है। जहाँ सूद के मुतल्लक आयतों में 3 बार लफ्ज़ तकवा को दोहराया गया है, गोया सूद ना लेना तकवा की अहम सिफत है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बाकिया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन व इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़्लमून। अल-बकरा में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले, और नमक नमक के बदले, ये तमाम अशिया बराबर नकद बनकद फरोख्त की जाएं। फिर जो ज्यादा ले या ज्यादा दे तो उसने सूदी कारोबार किया। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाह में बराबर हैं। सैयदना फजाला बिन अबैद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने को सोने के बदले सिर्फ बराबर वजन के साथ ही फरोख्त करो। अज़आफ़न मुज़ाअफ़ातन, इससे बाज़ लोगों ने सूद मुरक्कब को हराम और सूद मुफ़रद को हलाल साबित करने की कोशिश की है, हालांकि यहाँ इस जमाने के सूदखोरों की संगदिली बयान हो रही है जो आज भी मौजूद है। जमाना जहलियत में बहुत से लोग दूसरों को सूदी कर्जे दिया करते थे, जब कर्जे की मियाद खत्म हो जाती तो मकरूज से कहते, कर्ज अदा करो वरना सूद में इजाफा करो। कर्ज अदा ना करने की सूरत में मियाद की तोसी कर दी जाती और सूद की मिकदार में इजाफा कर दिया जाता। इस तरह कुछ अरसा के बाद सूद की मिकदार असल कीमत से भी कई गुना ज्यादा हो जाती। सूदी कारोबार की इस भयानक सूरत हाल की तरफ कुरान ने अज़ाफ़न मुज़ाफ़ातन के अल्फाज से इशारा फरमाया है, वरना ये मतलब नहीं कि मुरक्कब सूद हराम है और मुफरद जायज़ है। इस्लाम में हर किस्म का सूद हराम है। आयत नंबर 31। वत्तकुन नारा, और तुम डरो उस आग से रल्लाती वो जो इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। सूदखोरों को इस आग से डराया जा रहा है जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। मालूम हुआ कि सूदखोरी कभी आदमी को कुफर तक ले जाती है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाज़ीना कफ़ारू व ज़लमू लम याकुनिल्लाहु लियग़फिरा लहुम वला लियहदियाहुम तरीका इल्ला तरीका जहन्नमा खालिदीना फीहा अबदा व काना ज़ालिका अल्लल्लाहि यसीरा। सूरत अन-निसा में बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं कि उन्हें बख्शे और ना ये कि उन्हें किसी रास्ते की हदायत दे सवाए जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं हमेशा, और ये हमेशा से अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। और फरमाया, वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाति वल कुफ़ारा नारा जहन्नमा खालिदीना फीहा हिया हस्बुहुम वला आनहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। सूरत अत-तौबा में अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है। इसमें हमेशा रहने वाले हैं, वही उनको काफ़ी है, और अल्लाह ताला ने उन पर लानत की और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लो, तो तमाम अहले ईमान जहन्नम से निकल आएंगे। आयत नंबर 132। वाती अल्लाह, और तुम अतात करो अल्लाह ताला की, व रसूला, और रसूल की, लअल्लकुम, ताकि तुम तुरहमून, रहम किए जाओ। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला और उसके रसूल की अतात पर मौकूफ है, और अल्लाह ताला की रहमत का मजहर जन्नत है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि जो शख्स अल्लाह और रसूल की अतात करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इरशाद बारी ताला है, व मय्युति इल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम व मय्यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलाहु अज़ाबुम मुहीन। सूरत अन-निसा में, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदों से तजावज़ करे वो उसे आग में दाखिल करेगा, हमेशा उसमें रहने वाला है, और उसके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है, मैं जिसको चाहूँगा तेरे ज़रिए अपनी रहमत से नवाजूँगा। आयत नंबर 134। बस सारे हो तुम जल्दी करो इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, बख्शिश की तरफ अपने रब की, व जन्नातिन और बहिश्त की तरफ, अर्जुहा इसकी चौड़ाई है, अस्समावातु आसमान, बल अर्जु और ज़मीन, उइद्दत वो तैयार की गई है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। यानी दुनिया के मालो दौलत के पीछे लाकर आखिरत तबाह करने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और इसकी जन्नत का रास्ता इख्तियार करो जो मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है। इरशाद बारी ताला है, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़ अल-हदीद में अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई की तरह है। अहले ईमान को इन अमाल सालहा की तरफ सबकत करनी चाहिए जो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का सबब बनते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमाल सर अंजाम देने में जल्दी कर लो ऐसे फितनों के आने से पहले पहले, जो स्याह रात के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह यक्के बाद दिगरे रूनमा होंगे। तब आलिम यह होगा कि सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को अगर मोमिन होगा तो सुबह को काफिर, और वो अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के इवज़ बेच देगा। सैयदना उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना में असर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और तेज़ी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तेज़ी से घबरा गए। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग आपके जल्दी जाने पर तअज्जुब कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे याद आया था कि हमारे घर में सोने या चांदी के डले का कुछ हिस्सा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये मुझे अल्लाह ताला की याद से रोक दे और किसी और तरफ मशगूल कर दे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जाकर उसको तकसीम करने का हुक्म दे दिया है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ओहद वाले दिन एक आदमी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये बतलाइए अगर मैं काफिरों के हाथों मारा जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। ये सुनकर उसने अपने हाथ में मौजूद खजूरें फेंक दी, फिर बड़ी बेजिगरी से लड़ा हत्ता कि वो शहीद हो गया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ओहद वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलवार पकड़ी और फरमाया, ये तलवार मुझसे कौन लेगा? सहाबा कराम ने अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दराज किए। उनमें से हर एक की जुबान पर था कि मैं लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो उसे उसके हक के साथ ले? ये सुनकर सब लोग पीछे हट गए और उन्होंने तवक़्फ़ किया। तो अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु बेदरेग आगे बढ़े और उन्होंने कहा, मैं उसे उसके हक के साथ लूँगा। बस उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार ले ली और इससे मुशरिकों की खोपड़ियां फाड़ दी। आयत नंबर 134। अल्लाजीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं फिस्सर्राय खुशी में वज़र्राय और सख्ती में वलकाज़िमीना और पी जाने वाले हैं नल गईज़ा गुस्से को वल आफ़ीना और मुआफ़ कर देने वाले हैं अन्नास लोगों को वल्लाहु अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन पसंद करता है एहसान करने वालों को। अल्लाज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राय वज़र्राय यानी सिर्फ खुशहाली ही में नहीं बल्कि तंगदस्ती के ज़माना में भी खर्च करते हैं। मतलब ये कि हर हाल और हर मौका पर अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। इरशाद बारी ताला है अल्लाज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रम व अलानियाता अल-बकरा में वो लोग जो अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह उस रोज़ उन्हें अपने साया में जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो आदमी कि उसने सदका इस कदर छुपा कर किया कि उसका बायां हाथ भी बेखबर रहा कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। वलकाज़िमीन अलगैस जानी जब गुस्सा आता है तो उसे पी जाते हैं। इरशाद बारी ताला है वलामन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर सूरत अश-शुरा में। और बिलाशुबा जो शख्स सब्र करे और मुआफ़ कर दे तो बेशक ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों से है। और फरमाया फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका लिल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा व इज़ा मा गाज़िबू हम यगफिरून सूरत अश-शुरा में। बस तुम्हें जो भी चीज़ दी गई है वो दुनिया की ज़िंदगी का मामूली सामान है और जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। और वो लोग जो बड़े गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं और जब भी गुस्सा होते हैं और वो मुआफ़ कर देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहादुर वो नहीं जो बिछाड़ दे बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर काबू रखे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मुझे वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना किया करो। उसने बार बार वसीयत के लिए कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया गुस्सा ना किया करो। सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स गुस्सा पी जाए जबकि वो इस पर अमल दरामद करने की कुदरत रखता हो तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन बरसरे मखलूक बुलाएंगे और उसे इख्तियार देंगे कि जन्नत की हूरीन में से जिसे चाहे मुंतखब कर ले। वल आफ़ीना अनिन्नास यानी लोगों की ज़रा रसानी और उनकी नाज़ेबा हरकत पर ना उनसे लड़ते हैं ना झगड़ते हैं और ना इंतकाम लेते हैं बल्कि हिल्मो बर्दबारी से काम लेते हुए अफ़्व दरगुज़र करते हैं। अफ़्व दरगुज़र के सिलसिला में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम सूरत अन-नूर में मुआफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्शे। और फरमाया खोजिल अफवा व अमर बिल उर्फी व अरिज अनिल जाहिलीन। सूरत अल अराफ में दरगुजर इख्तियार कर और नेकी का हुक्म दे और जाहलों से किनारा कर। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातों की हकीकत पर मैं कसम खाता हूँ। नंबर 1, सदका करने से बंदे का माल कम नहीं होता। मुआफ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत में इजाफा फरमा देता है। और नंबर 3, जो बंदा सवाल करके सवाल करने का दरवाज़ा खोल लेता है, अल्लाह ताला उस पर फकीरी का दरवाज़ा खोल देता है। जबकि मुस्लिम के ये अल्फाज हैं, जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो और इंकसार से काम ले, अल्लाह ताला उसे आला मुकाम अता फरमाता है। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।